घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे और वो चर्चा विशेष इसलिए है कि 130 साल पुरानी पार्टी, उस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस पार्टी ने इस देश में एक पार्टी नहीं होकर के आंदोलन के रूप में वो पार्टी थी, जिसमें तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के लोग देश के लिए आज़ादी लड़े। इस आज़ादी के बाद जो सबसे प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के और देश के भी, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि इस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी चलती रही। पार्टी के अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग समय में अलग अलग तरह से पार्टी में नेतृत्व उभर के आए। ये पार्टी वही पार्टी है जिसमें कई कद्दावर देश के आज़ादी की लड़ाई से लेके और देश आज़ादी के बाद तक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, ऐसे कई नेता जिन्होंने देश को निर्माण में जिनकी अहम भूमिका है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 130 साल इस पुरानी पार्टी के अब अध्यक्ष बनेंगे राहुल गांधी। इस पर चर्चा चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि ये कहीं पर भी नहीं था कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और बनेंगे। बनेंगे तो राहुल गांधी कब बनेंगे, अब उस तारीख का भी लगभग ऐलान हो चुका है और अब राहुल गांधी दिसंबर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। तारीख चुनाव को, अगर चुनाव हुआ जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, तब भी बहुत महज कुछ औपचारिकताएं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अध्यक्ष बनेंगे, खबर ये नहीं है, विश्लेषण इसका भी नहीं करना कि अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तय है, औपचारिकता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं वही कांग्रेस की भी चुनौती है, या जो कांग्रेस की चुनौतियां हैं उसको राहुल गांधी की चुनौतियां, वो अलग हैं दोनों चुनौतियां, एक साथ है चुनौतियां, या क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या राहुल गांधी यहां से जो कांग्रेस अपने 130 साल के इतिहास में सबसे, 2014 का जो प्रदर्शन रहा है सबसे निराशाजनक रहा है, एक ऐसा प्रदर्शन जिसके बारे में कभी कल्पना शायद बहुत कम लोग कर पाते कि कांग्रेस इस नंबर पे भी भारत के संसद में आजादी के बाद 44 पे भी सिमट सकता है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी है। तो आज उस स्थिति से निकलने के लिए जो चुनौतियां हैं, जो राहुल गांधी को करना है, वो क्या करना है, क्या करेंगे राहुल गांधी, कर पाएंगे राहुल गांधी, ये सवाल है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर एसपी सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशोक गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ निष्पक्ष रूप से विश्लेषण के लिए डॉक्टर अजय हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं उपेंद्र प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले डॉक्टर एसपी सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं और दो दो मिनट में हम चाहेंगे कि पहले राउंड में जब हम बातचीत करें तो दो दो मिनट आप सबको है। आपसे शुरुआत करते हैं इस दो मिनट में कि कुल मिलाकर के आपको लगता है कि इस घोषणा, हालांकि औपचारिक सिर्फ बाकी था, औपचारिकता ही एक बाकी है, लगभग उपाध्यक्ष थे ही, लंबे समय से चर्चा थी ही, तय हो गया, यहां से ऐसी कौन सी चीजें दिखती है आपको लगता है कि यहां से पूरे तरह से बदल जाएगा कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी के लिए? देखिए, देश में बदलाव की बहुत जरूरत है, ये आप जानते हैं। जिस तरह का देश में माहौल है, जिस तरह देश एक आपस में समुदायों के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो रही है, तो कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो देश में जो माहौल है, उस देश को, माहौल को सुधारने के लिए ये पक्की बात है कांग्रेस ने ही पहल करनी है। कांग्रेस ने हमेशा किया है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है, और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जो अभी नई पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए, मैं समझता हूँ जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से पीछे बहुत सारी चीज़ों पे, कई मोर्चों पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है, आजकल गुजरात में कर रहे हैं, और वो बहुत बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी कैंडिडेट को लेकर कोई ये नहीं है, कैंडिडेट तो तय ही था, मनीष शंकर अय्यर कुछ दिन पहले कह या तो माँ या बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा सवाल जो है कि क्या बदल जाएगा? देखिए, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव, मैं उस पे भी नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि चुनाव होना है और चुनाव होना है। मैं समझता हूँ चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट, जिस तरह उन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट पार्टी को एक बहुत अच्छी तरह से आगे ले गए हैं, सब लोगों का साथ लेके आगे ले गए हैं, युवाओं को साथ लेके आगे चले हैं, महिलाओं को बिल्कुल
एक बहुत कंधे से कंधा मिला के साथ लेके चल रहे हैं। मेरा सवाल है, तो क्या बदल जाएगा कांग्रेस? ये बदलाव है, यही बदलाव है। जब आम जनता पार्टी की बात करने लगे, नेता की बात करने लगे, यही बदलाव है। और पॉजिटिविटी, तो जितना पॉजिटिविटी कांग्रेस की तरफ आई है, हालांकि ये मैं आपने सही कहा कि हम 44 सीट पे आ गए थे, लेकिन अब 44 से मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में हम कम से कम 344 पे अगली बार आएंगे राहुल गांधी जी की प्रेसिडेंटशिप में। अच्छा, बदलाव आएगा। आप कह रहे हैं कि जब 19 में जो 2014 में आप 44 पे सिमट गए थे, 2019 में बदलाव आ जाएगा। 2019 में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे तो 344 पे आप आएंगे। मैं कहता हूँ आप अभी इलेक्शन करा लीजिए, चलिए चलिए अभी बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव की तो बात बहुत दूर है। डॉक्टर एसपी सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के हैं, जाहिर है जो उत्साह होनी चाहिए वो दिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, इस उत्साह का भी करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में आने से पहले अजय जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ बदलेगा कांग्रेस पार्टी में? निश्चित तौर पे जब युवा नेतृत्व आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव तो है। और राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व अभी एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे आएगी भूमिका उनकी, तो उस भूमिका के कई मायने हैं। पहला, जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में लग रहा है कि चुनाव आयोग और एक संगठनात्मक चुनाव के तहत ये अनिवार्यता भी थी कि अब एक नया अध्यक्ष कांग्रेस चुने, तो उसका एक डेट और एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये डेट दिया गया है। लेकिन जो इसके राजनीतिक मायने हैं, जब भी आप यंग आदमी को इस एज में कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और उनका ऐसा भी नहीं है कि अचानक बन रहे हैं, 15-20 वर्षों से जो राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि रही और उसमें कई बार उतार भी आए और चढ़ाव भी आए। आपने पिछले ही दिनों इसी चैनल के माध्यम से चर्चा की थी कि राहुल जी के अब नेतृत्व में की विश्वसनीयता बढ़ी है बनिस्पत पिछले वर्षों में, और निश्चित तौर पे वो बदलाव जो है कहीं ना कहीं उनके मेहनत में, उनके कार्यशैली में, उनके नेतृत्व में और उनके भाषा शैली के बदलाव से प्रभावित हुआ है। जब ये अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे तो अध्यक्ष के दायित्व से कम से कम ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो डिसीजन आज ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट यदि कुछ मुद्दे में वो करते होंगे तो अब वो डायरेक्ट करेंगे। तो दोनों चीजें हैं, इसमें चुनौतियां भी हैं। जहां तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चुनौतियां ये है कि अब जो डिसीजन होगा उस चुनौतियों पे लिए मैं सिर्फ बदलाव क्या क्या होने वाला है वो मैं आपसे, और इसके कारण कुछ यंग जनरेशन के लोग जो हैं, यंग नेतृत्व जो है, डिजर्विंग नेतृत्व जो है, जो ग्रामीण एरिया से, चूंकि राहुल जी का जो सोच है सामान्य तौर पे गरीबों के लिए, असंगठित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित इशू को लेकर के उन्होंने लगातार कई वर्षों से लड़ाई लड़ी है और किसानों के मुद्दे पर, तो ऐसे नेतृत्व को कांग्रेस के मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रयास मुझे लगता है ऐसा कि वो निश्चित तौर पर ज्यादा मात्रा में करेंगे। और यंग जनरेशन जो फील्ड में है, लोगों के बीच है, उनको कहीं ना कहीं उठा करके मेन स्ट्रीम में, कांग्रेस के मेन सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे। उसका एक आगाज है, अभी 16 तारीख को उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर कांग्रेस के, मैं आपके पास लौटूंगा, दो मिनट आपका खत्म हो गया, मैं लौटूंगा। उपेंद्र जी, राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे तभी उतने ही शक्तिशाली कांग्रेस में थे, या आपको लगता है यहां से शक्ति बदल जाएगी और शक्ति उन्हें मिल जाएगी, वो क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में बदलाव तो होगा, एक बड़ा बदलाव होगा। वो जो कांग्रेस को कहा जाता था कि सेंट्रिस्ट पार्टी, धीरे धीरे हो गया था कि सेंटर के राइट में आ गई थी कांग्रेस, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको मनमोहन सिंह भी आगे चलाते गए। फिर यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह पूरा नहीं चला पाए, जो तो नरसिंह राव की सरकार में कर रहे थे, तो वो है जो एक लेफ्ट, वो लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे कि जो कांग्रेस की जो नीति जो होगी वो लेफ्ट ऑफ सेंटर हो जाएगी एक तो, और खास करके अभी जो पॉलिसी अपनाई जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा वो राइट ऑफ सेंटर नहीं बल्कि राइटिस्ट पॉलिसी आप कह सकते हैं, तो राइटिस्ट पॉलिसी के खिलाफ वो लेफ्टिस्ट पॉलिसी, और उस हिसाब से इनका जो रुझान भी है, बोलते रहे हैं इतने दिनों से जो लगातार बोल रहे हो सूट बूट की सरकार क्या क्या कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द ये जमा करेंगे और उसका प्रभाव कांग्रेस की राजनीति पर पड़ेगा। और अगर नीतियाँ अलग है लेते हैं तो उसी हिसाब से उनको एक्शन लेना होगा, तो हमें लग रहा है कि एक पॉलिसी लेवल होगा, उसी के हिसाब से इनके जो एडवाइजर्स हैं, जो कांग्रेस के नेतृत्व के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उसका उसकी संरचना भी बदल जाएगी। जो सोनिया गांधी के समय थी थे लोग, वो आप देखेंगे कि इक्के दुक्के को बहुत जरूर जो इंडिस्पेंसिबल है वो रहेंगे, बाकी अधिकांश लोग हैं जो रिटायरमेंट में चले जाएंगे। तो ये हमें लग रहा है कि लोगों के स्तर पर और नीति के स्तर पर ये भारी बदलाव आने वाला है,
और अब आप देखेंगे कि जो जिस तरह से मजदूरों के आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, खास करके मीडिया तो दिखला ही नहीं रहा, अभी सब पद्मावती के बारे में दिखला रहा, कि बड़े बड़े आंदोलन किसानों के हो रहे हैं देश भर में, दिल्ली में किसान आने वाले हैं, उसको पूरा इग्नोर किया जा रहा था। हमें लगता है कि उन लोगों का जो स्वर है उसको हो सकता है कि राहुल गांधी स्वर दें, और पूरा जो विमर्श है हमारे देश का जो एक वो बौद्धिक क्षेत्र में जो विमर्श है, विमर्श में ही बदलाव हो सकता है। तो आप मूल रूप से कई बदलाव देख रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद? हाँ, कांग्रेस में भी होगा और लोगों के मूड में भी, और हमें लगता है पूरा जो विमर्श है, राजनीतिक विमर्श कहिए, सामाजिक विमर्श कहिए या बौद्धिक विमर्श कहिए, उसमें ही बदलाव करना हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से तो जो अब तक नहीं हुआ वो जो अच्छा ये इस परिवर्तन को आप क्यों अचानक होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ये तो पहले से शक्तिशाली थे ही कांग्रेस में, उपाध्यक्ष के रूप में भी कम शक्तिशाली नहीं थे, तमाम प्रधानमंत्री मंत्री बाकी तमाम चीजें, ऐसी कोई चीजें नहीं थी जिसको राहुल गांधी चाहते थे और नहीं कर सकते थे। नहीं, हमें लगता है कि वो पूरा जो चाहते थे वो जानबूझ करके नहीं करते थे, क्योंकि जिस तरह से वो जो घटना घटी थी ऑर्डिनेंस फाड़ने की, उससे साफ पता चलता है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के खिलाफ थे वो, और इनकी इच्छा के बिना, इनकी इच्छा के खिलाफ जा करके सोनिया गांधी की सलाह पर मनमोहन सिंह ने किया था। तो ये खबरें आती थी कि इनकी सारी बातें नहीं मानी जाती है, तो वो बहुत सारी बातें अपने मनमाने के लिए कोशिश भी नहीं करते थे, वो छोड़े जाते थे कि भाई जब हमें नहीं है तो हमें छोड़ो, जब पूरी तरह से इन्हीं पर केंद्रित हो जाएगी सत्ता तब है कि ये बेहतर ढंग से कर पाएंगे। पहले फ्रिक्शन के कारण या कोई संभावना के कारण ये सोच करके कि हम क्यों इसमें हाथ डालें, या अपनी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अब तो किसी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इसीलिए है कि अब बदलाव होगा, फर्क पड़ेगा। मैं लौटता हूँ आपके पास अशोक जी, जाहिर है आपके पार्टी का तो नहीं है लेकिन देश में अभी विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में भी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और अभी अगर गुजरात में देखें, हिमाचल में देखें, जो आपको चुनौती मिल रही थी कांग्रेस से ही चुनौती मिल रही है, वहाँ कांग्रेस की सरकार भी है, हालांकि कांग्रेस उस पर अलग से चल, लेकिन आप बदलाव के रूप में राहुल गांधी उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके सरकार के लिए, आप देखते हैं कि कुछ चीज़ों में बिल्कुल तब्दीली होगी, बदलाव होंगे? देखिए दिलीप जी, बंद मुट्ठी लाकी और खुल गई तो खाकी, तो ये मुट्ठी पहले ही खुल चुकी है। मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बुनियादी फ़र्क है, जो कांग्रेस पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में परिवार ही पार्टी है। तो पिछले 19 वर्ष से लगातार सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, राहुल जी उपाध्यक्ष थे, अब ये तय ही था कि वो अध्यक्ष बनना है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि राहुल जी के अध्यक्ष बनने से कुछ होगा, क्योंकि देखिए एक डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये राहुल गांधी जी लगातार 27 चुनाव लगातार हार गए, मतलब गिनीज बुक में भी इनका रिकॉर्ड जाना चाहिए, और अगर इनके नाम के पीछे गांधी ना लिखा होता तो शायद ये कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर भी ना होते। तो इसलिए राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जो एक जिसके कांग्रेस मुक्त भारत मतलब जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे मुक्त भारत, उसको लगता है कि पूरा बल मिलेगा। और कांग्रेस की मैं मानता हूं कि टॉलरेंट, जैसे इनटॉलरेंट के बारे में ये लोग बात करते थे, कांग्रेस बहुत टॉलरेंट है, क्योंकि इन लोगों के सामने एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है कि ये किस तरफ जाएं। तो आज इनके पास एक मजबूरी है कि गांधी के नाम का इनको अपने साथ लेकर चलना है, अदरवाइज ये बहुत ही मजबूर लोग हैं, क्योंकि इनको गांधी के अलावा और कोई नाम सूझ नहीं रहा। अदरवाइज पिछले सभी चुनाव में, जैसे कि आपने खुद बताया कि सारी वो शक्ति अभी तक राहुल गांधी जी इंजॉय कर रहे थे, सोनिया जी पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बैकग्राउंड में थी, और एक के बाद एक चुनाव कितनी बुरी तरह से वो हारे हैं, क्योंकि उनके पास ना विचार है, ना नीति है, ना विचारधारा है। और जो कांग्रेस एक विचार वाली पार्टी किसी टाइम पे जो महात्मा गांधी जी के समय होती थी, वो विचारहीन और शून्यहीन हो चुकी है पार्टी। और राहुल गांधी जी जिसका के ये बार बार एसपी सिंह जी और अजय जी ने बताया, वो इन्होंने युवाओं की भी परिभाषा बदल दी है, 50 वर्ष के राहुल जी को युवा नेतृत्व की बात करते हैं। चलिए 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 हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल एसपी सिंह जी ये है कि बदलाव की जो शुरुआत होगी वो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, युवा है, 47 ईयर्स 47 साल के हैं, और जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है कि ओल्ड जनरेशन, एक जनरेशन पीछे और एक जनरेशन आगे को, और पार्टी की जो चुनौतियां हैं उस हिसाब से आपको लगता है कि सबसे पहली चुनौती वहां पे कौन सी होगी उनके लिए,
क्या नेतृत्व को तैयार करना नीति के लेवल पे होगा, नेतृत्व के लेवल पे होगा, या फिर नियत से ही शुरुआत होगी? नहीं, हमें नियत ही बदलनी होगी फिर नीति हम बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की नियत और नीति में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। नियत भी ठीक है, नीति भी ठीक है। इस देश में अगर 60 साल राज किया है देश की आजादी के बाद, तो नियत और नीति से ही किया है। जहां तक कभी गोयल साहब ने कहा कि तो नियत और नीति पे कोई बदलाव की जरूरत नहीं, नहीं है। नहीं, सिर्फ नेतृत्व के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कांग्रेस पार्टी एक पॉपुलर बेस पार्टी रही है, पॉपुलरिटी बेस पार्टी रही है, मास बेस पार्टी रही है। ऑर्गेनाइजेशन पे कभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, मैं मानता हूं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूं राष्ट्रीय समिति का, कि जितना ऑर्गेनाइजेशन पे काम राहुल गांधी जी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद शुरू हुआ है और अभी भी और होगा। मैं जानता हूं कि मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, मुझे 15-15 दिन दूसरे स्टेट्स में 20-20 दिन मुझे रहना पड़ता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। वो ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ध्यान देंगे, और जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना शुरू कर दिया, हम लोग 44 पर रहे थे, ये लोग 4 पे भी नहीं रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोगों के दिल में बसती है, लोगों के डीएनए में बसती है। ये इस देश की जो 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 रगों में जो खून बहता है, ये पार्टी, ये वो है, ये लोगों के रगों में बैठती है। वो कौन सी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं डीएनए में है, जो हिंदुस्तान को और कांग्रेस पार्टी के नीति को और नियत को जोड़ता है? कौन कौन सी सबसे बड़ी चीज है? अगर आप देखें हमारे देश का इतिहास, देखें हजारों सालों का इतिहास, देखें यहाँ पर हर तरह के लोग आए, आसपास के देशों से आए, सबने रूल किया, सबने शांति से काम किया, सब लोग रहे। कांग्रेस पार्टी जो देश में है, जो देश की आजादी के समय जो देश में है, वो देश का हिंदुस्तानी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, आप इसकी विचारधारा देखिए, ये परिवारवाद की बात कर रही है, मुझे अपनी बात को समझाने के लिए इनका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए, मुझे अपनी बात समझाने के लिए इनका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में किया, इनके यहाँ क्या है, ये परिवार की बात, परिवारवाद की इन्होंने बात की। मेरे पूरी लिस्ट लेके आया तो मैं जानता था कि आप ये परिवारवाद में बात करेंगे। प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, मेनका गांधी, वरुण गांधी, प्रमोद महाजन, पूनम महाजन, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, साहब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, गोपीनाथ मुंडे, पंकजा मुंडे, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, बी एस येदुरप्पा, रघुवेंद्रा, लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल। यही नहीं, इनकी जो डायनेस्टी है, जो परिवारवाद जो है इन्होंने बात की, वो परिवारवाद सिर्फ यही नहीं है, इनके जितने भी इन्होंने अलायंस की है दूसरे पार्टियों से, वो सारी परिवारवाद वाली है। वो चाहे अकाली डायनेस्टी हो, वो चाहे पासवान डायनेस्टी हो, या शिवसेना डायनेस्टी हो, या मुफ्ती डायनेस्टी हो, तो ये तो परिवार के बिल्कुल डूबे हुए हैं। परिवारवाद को पालने वाली है लोग, परिवारवाद ऐसी चीज नहीं है। जहां तक उसकी बात है, मैं वापस उसमें आता हूं। आप एक परिवारवाद पे जवाब जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप। दिलीप जी, जो एसपी सिंह जी कह रहे हैं और जो परिवारवाद की इन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो इन्होंने लिस्ट गिनाई जो नेताओं के और उनके पुत्रों की, तो वो हमारी पार्टी के अंदर कोई अध्यक्ष नहीं बना उनमें से कोई, ना ही वो कोई ऐसी पोजीशन में है। ये कांग्रेस में ही ऐसा हो सकता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उससे पहले नेहरू, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, जो उनका एक ही अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी के वही अध्यक्ष रहेंगे, उससे अगला उनका जो परिवार का व्यक्ति है वही अध्यक्ष बनेगा। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी हैं तो पंकज सिंह जी तो मंत्री भी नहीं भारत सरकार में बने, और धूमल जी हैं तो अनुराग ठाकुर जी सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट है। जितने भी इन्होंने नाम गिनाए, वो काम करते करते कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हटने के बाद दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बना, या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने पार्टी के। तो ये एक बुनियादी फर्क कांग्रेस में और भाजपा में समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अध्यक्ष जो है, इनका तय तय है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ का जो परिवार है, सुनिए, हमारे यहाँ जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कोई ये नहीं कह सकता था अगला अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी बनेंगे। जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे तो कोई नहीं कह सकता था कि अमित शाह जी हमारे अगले अध्यक्ष बनेंगे। और सबको पता था कि राहुल गांधी बनेंगे। फिर कह सकता हूँ कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन इनके यहाँ तो सर्वविदित तय है,
ये डेट इन्होंने जरूर, ये मिसाइल बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, वो लॉन्च नहीं हो पा रही थी, अब इन्होंने फाइनली लॉन्च कर दिया, वो डेट तय कर दिया, सिर्फ डेट तय की है, वो तो तय ही था। चलिए अपने बात को कंप्लीट करें, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ परिवारवाद जो आप गिना रहे हैं वो अलग तरह का, कांग्रेस में तय था कि राहुल गांधी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है, इनके यहाँ ये तय नहीं कि अगला कौन बनेगा। इनके यहाँ तो सबसे बड़ा परिवारवाद है, जो इनका परिवार है आरएसएस परिवार, वहाँ सबसे बड़ा नहीं है, एक परिवार नहीं, नहीं। वह परिवार है, उस परिवार में सिर्फ ब्राह्मण ही अध्यक्ष बनना है, एक रज्जू भैया को छोड़ के जितने भी इनके अध्यक्ष बने हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो भी परिवारवाद है, वो परिवारवाद है, ये लोग डिवाइड एंड रूल, एक ब्राह्मणवाद है कांग्रेस पे, ब्राह्मणवाद कांग्रेस पे आई है, नहीं मैं कांग्रेस पे आ रहा हूँ। अब रही दूसरी, ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि हमारे राहुल जी अध्यक्ष बन रहे हैं, राहुल जी अध्यक्ष सिस्टम से बन रहे हैं, लोग चाहते हैं, पता है सबको, नहीं पता है, लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं, और ऐसा भी नहीं है, कोई भी आदमी सुनिए, कोई भी पार्टी का मेंबर, डॉक्टर साहब नहीं, सच्चाई में आपको बता रहा हूं, ये है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी बनेंगे, ये आपके पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, ऐसा नहीं है। सोनिया जी जब बनी थी, राजेश पायलट जी ने इलेक्शन लड़ा था उनके सामने, आप जानते हैं अच्छी तरह, इलेक्शन हुआ था बकायदा, राजेश पायलट जी हारे थे और वो अध्यक्षा चुनी गई थी। हो सकता है इस बार भी कोई ना कोई दूसरा, अभी तो नॉमिनेशन होने हैं, नॉमिनेशन के बाद फिर हो सकता है इलेक्शन है, वो तो वो क्या है, वो सिस्टम है, नहीं ऐसा कुछ तय नहीं है, वो सिस्टम है, वो सिस्टम है, लोग किसको चुनते हैं, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन हो रहा है, किसने किसको चुनना है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राहुल जी ने काम किया है, वो तो सबके सामने है, जिस तरह दिखाया है, जिस तरह किया है, हर चुनाव ऑर्गेनाइजेशन, अरे भाई आप तो 60-70 साल तक हारते रहे, इस बार आपने सरकार बना ली है, अब तक हारते रहे ना, दो पे आ गए थे, इलेक्शन हार गए, हारे थे ना, 60-70 साल की आपकी बारी है, फिर आपके अब देख लीजिएगा, आप अभी इलेक्शन करा दो, मैं तो अभी बता रहा हूँ, आप रिजल्ट आ जाएंगे, आप दो नंबर पे आ गए थे ना, दो दो एमपी पे, गुजरात के दोनों के रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, अभी यूपी उत्तराखंड के सामने नहीं, वो ठीक है, जितनी वहाँ हुई है गड़बड़ हम जानते हैं, हमने क्लोजली उसको देखा, जहाँ तक ये गुजरात और उसकी बात कर रहे हैं, मोदी जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है सिर्फ राहुल जी की वजह से, वो तो ताजपोशी आपको पहले इसलिए करना पड़ी कि मुश्किल हो जाएगा गुजरात के बाद, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले करना था क्योंकि डेट फाइनल थी, ऑलरेडी डेट फाइनल थी इलेक्शन कमीशन की वजह से, उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसमें तो हार के बाद इलेक्शन के टाइम में तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा इन सब चीजों से, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स आई हुई हैं, उसमें करना है ऑर्गेनाइजेशन फाइनल। मोदी जी को लगभग 50 मीटिंग वहां करनी है, आप ये बताइए अपने होम स्टेट में, अपने घर में उन्हें ऐसी क्या चीज कहनी है जो लोग नहीं जानते या पहले नहीं कही, लेकिन क्यों करनी पड़ रही है जी, हमारी क्यों करनी पड़ रही है, सर्वोच्च नेता है, कार्यकर्ता हो गए हैं, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है, करते हैं अपने राहुल गांधी जी की तरह नहीं है कि वो कहीं पर 15 वाराणसी में भी इन लोगों ने यही कहा था दिलीप जी, डॉक्टर साहब हालत खराब है, वाराणसी में 3 दिन रह गए, पांचों के सीट पर ये अशोक जी तरह, अशोक जी और डॉक्टर साहब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज तो हमारा गुजरात पे चर्चा नहीं, आज हमारी चर्चा जो है राहुल गांधी के ताजपोशी को कह लें, अध्यक्ष बनने से क्या कुछ बदलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्या कुछ करेंगे कांग्रेस पार्टी में, जो मेरा सवाल था उस पर मैं एक बार, अजय जी दो तीन की चीज़ों पर अगर हम देखें तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को करना होगा, जिसके बिना कि कांग्रेस पार्टी को जहां से लेके जाना है उनको आगे, उसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है खास करके वो कौन कौन से। निश्चित तौर पे अभी तक चूंकि कांग्रेस आंदोलन की पार्टी रही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से, अभी तो तक लोगों की फीलिंग 47 से पहले जो भी है उसका इम्पैक्ट आज भी कांग्रेस के प्रति लोगों में रही कहीं ना कहीं, और निरंतर जो नेताओं के कांग्रेस के नेताओं के जो लोगों के प्रयास थे उसके भी प्रभाव थे। पर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों की संख्या के हिसाब से यदि देखी जाए तो उसको हार ही मानेंगे, और कुछ न कुछ कमियां रही होंगी तभी हारी पार्टी। अब उन सारी चीजों को लेकर के निरंतरता के साथ चिंतन और मनन के साथ एक नई पद्धति को अपनाते हुए राहुल जी को आगे आना है। काडर बिल्डिंग प्रोसेस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आज के डेट में राजनीतिक पार्टियों के लिए, और एक चुनौती भी है बड़े बड़ी पार्टियों के लिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टी में कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी रही नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। मास,
मास जो मास मूवमेंट की पार्टी चुकी पहले रही जी, और अब उसको कार्डर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं राहुल जी की अपनी एक सोच है कि वो उसको उस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं, उनके कार्य पद्धति से ऐसा दिख रहा है, जिसमें कि संगठनात्मक स्तर पर एक व्यापक परिवर्तन धीरे धीरे आंतरिक तौर पर वो कर रहे हैं। नए युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को उसमें अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करना, दलितों के लिए भी एक अलग से उन्होंने उसमें जगह बनाई है, दलित संगठन को बहुत मजबूती देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं वो भी दलितों को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, कांग्रेस के जो अभी सिंह साहब हैं यहाँ। इसी तरह से उन्होंने आदिवासियों के लिए एक अलग विंग बनाई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पिछले महीने कांग्रेस के संगठन में एक विभाग बना है फिशरमैन के लिए, और टेक्निकल लोगों के लिए भी टेक्निकल कांग्रेस इन्होंने बनाई है। और तीसरा जो है, जिसको 16 तारीख को लंच किया उन्होंने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कांग्रेस बनाया उन्होंने कामगारों के लिए असंगठित क्षेत्रों में, जिसमें 49 करोड़ लोग अभी जो है कह रहे हैं, एक जो बड़ा बदलाव या बड़ी चुनौती या बड़े काम करने वाले हैं राहुल गांधी, वो है कि जो एक मास बेस्ड पॉपुलर पार्टी होती थी उसको एक कैडर बेस्ड पार्टी वो बनाने की कोशिश करेंगे, वैचारिक आधार को और मजबूती देते हुए जी। आम जन में जो नीचे के तबके के लोग हैं, चाहे दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, रेडी पेट्री वाले हैं, वेंडर हैं जी। या असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, उनके बीच क्या इसका मतलब पार्टी को ले जाना, क्या पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नए नेतृत्व पूरे तरह से जो पुराने जो सोनिया जी के वफादार थे, जो वहां 24 अकबर रोड में बहुत सालों से बैठे हैं, उन लोगों की विदाई होगी और नए लोग जो हैं वो आएंगे नेतृत्व के लेवल पे राहुल गांधी के साथ साथ। मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे पुराने लोग हैं, चूंकि कोई भी संगठन तब भी चलता है जब बड़े लोगों का अनुभव और नौजवानों का योश जो है दोनों समन्वित हो और सम्मिलित होकर यदि संगठन चलाया जाता है तो नेतृत्व लेकिन बदलाव होगा, लगता है कि जो नया नेतृत्व पैदा किया जाएगा। मेरा मानना है कि जो संगठन में पुराने जो मजबूत परफॉर्मिंग लोग हैं, राहुल जी का मुझे लगता है एक आइडिया बड़ा क्लियर है कि जो काम करे, जो परफॉर्म करे, वो जो है पार्टी के संगठन के को लीड करे। और इस मामले में मैंने देखा है यूथ कांग्रेस के उनके वर्किंग को पिछले 7-8 साल में जब यूथ कांग्रेस में होते हैं। नटसेल में आप ये कह रहे हैं कि दो चीजें आप कह रहे हैं कि एक तो कैडर और दूसरा नए नेतृत्व, नया नेतृत्व, ये दो चीजें हैं। उपेंद्र जी बहुत कम शब्दों में, क्योंकि ये दो की चीजें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस में एक बड़ी जो बात एसपी सिंह जी भी कह रहे हैं, अजय भी कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी के मूल जो अब तक जो गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जिस पार्टी को बनाया था, जिस आजादी के दौरान जो पार्टी बनी थी, या इवन इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या अब तक जो कांग्रेस पार्टी रही थी, कैडर नहीं, एक मास जो बेस पार्टी होती थी वहां पे कोई कैडर नहीं होता था। तो एक तो वो कह रहे हैं कैडर डेवलप करना है, दूसरे नए नेतृत्व को डेवलप करना है, तो एक पूरी बड़ी चुनौती सामने है ये दोनों काम अपने आप में, उसके पीछे क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव है। अगर बीजेपी को हम देखें या लेफ्ट को देखें, उनके पास एक नैरेटिव है, दैट मींस कि कांग्रेस हैज टू इन्वेंट अ न्यू नैरेटिव। कांग्रेस के पास भी नैरेटिव रही है, इसी बात नहीं, वो नैरेटिव काम करेगा, पुरानी नैरेटिव उससे कैडर बन सकता है। देखिए कैडर वगैरह से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कैडर बना दिए, पहले से भी था शेड्यूल कास्ट सेल था, शेड्यूल ट्राइब सेल भी पहले से भी था, अल्पसंख्यक सेल भी पहले था, अभी राहुल गांधी सवाल ये नहीं, वो नहीं हो पाता है उसमें। असल बात है कि पूरा कवरेज पॉलिटिकल पार्टियों का जो टेंशन रहता है ना, या उसके वर्कर्स जो भी उसके लीडर्स हैं, उसका होता है चुनाव लड़ना होता है। तो आप है कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दीजिए, उसमें लोगों को रख दीजिए, काम कराइए, फिर टिकट नहीं दीजिए, फिर टिकट आप देंगे वही परिवारवाद के अनुसार, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में फिर वो पार्टी से बाहर हो जाते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी कांग्रेस क्या करेगी, वो जो कर रही है उससे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस को स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आधा से ज़्यादा हिस्सों में कांग्रेस गायब हो चुकी है। जहाँ चार पार्टियाँ हैं वहाँ पहली दो में भी कांग्रेस नहीं रह गई है। तो वहाँ कैसे कांग्रेस रिवाइव करे, तो अलग अलग स्टेट के लिए उनको स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्पेसिफिक पॉलिसी बिहार के लिए बनानी पड़ेगी अलग, झारखंड के लिए अलग बनानी पड़ेगी, बंगाल के लिए अलग बनानी पड़ेगी, बिहार के लिए अलग बनानी, उत्तर प्रदेश के लिए अलग बनानी पड़ेगी, जहाँ की कांग्रेस है जो फर्स्ट टू पार्टी में भी नहीं। अब उड़ीसा में भी तीसरे नंबर की पार्टी की ओर बढ़ रही है, इवन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ भी TDP और नई एक पार्टी बन गई है, उधर रेड्डी साहब की पार्टी बन गई है, इनकी पार्टी से निकल करके, और एक है जो तेलंगाना
पार्टी जो बनी हुई है, तो जहां जहां ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई है वहां के लिए, और वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये पूरा का पूरा जो इलाका है गंगा जमुना का जो बेल्ट है वहां से कांग्रेस साफ हो गई है। तो वहां है जो इस तरह के कैडर खड़ा करके आप नहीं बना सकते, वहां स्पेसिफिक आपको सोचना पड़ेगा, और वो सोच है या नहीं है, किस तरह से वो करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कैसे लोगों को अपने साथ वो जोड़ते हैं और किस तरह से लोग उनको क्या समझाते हैं या वो खुद क्या समझते हैं वहाँ का, तो ये असली उनकी समस्या है। बाकी हमें लग रहा है कि आप कैडर खड़ा करके, कैडर तो यूथ कांग्रेस और NSUI का बहुत खड़ा किया था राहुल जी ने, जब जनरल सेक्रेटरी बने थे उस समय यही दोनों के इंचार्ज थे, मालूम हुआ कि कितने लाख मेंबर्स बन गए तमिलनाडु में, और जितने मेंबर्स थे यूथ कांग्रेस और NSUI के तमिलनाडु में उसके 25% वोट भी नहीं मिले चुनाव में। तो ये नंबर और चुनाव, क्योंकि जब तक चुनाव से आप उसको नहीं जोड़िएगा संगठन को, सिर्फ संगठन में काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होता है, उसको टिकट भी चाहिए। तो ये जो परिवारवाद, ठीक है वो खुद परिवार के कल्ट से निकले हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बहुत व्यापक हो गया है क्षेत्रीय स्तर पर है, जो परिवारवाद उतर गया है, वहां से अगर उसकी छटाई नहीं करेंगे परिवारवाद की अपनी पार्टी के अंदर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इस रोग की शिकार है, भले इसके लीडर जो टॉप लीडर हैं वो परिवारवाद से नहीं निकले हों, लेकिन स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी शिकार हो गई है, तो उसके उसका रिजेंटमेंट होता है, उसे पार्टी है जो वर्कर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ करते हैं कि अपनी पार्टी से परिवारवाद को जहां तहां है कमजोर करना, पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन उसको मिनिमाइज करें कैसे, ताकि जिसको संगठन में जोड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में ला रहे हैं, टेक्निकल प्रोकोस्ट में ला रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्रोकोस्ट में ला रहे हैं। उपेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैडर, कांग्रेस की जो स्थिति है इस वक्त देश में, जो पार्टी देश में सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं बल्कि राज्यों में, तमाम राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार होती थी, आज कांग्रेस की बहुत ही कम इक्के दुखे राज्य अब कांग्रेस के पास यहाँ पे है, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस 3 या 4 नंबर की पार्टी है, कई राज्य ऐसे हैं, बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि 1-on-1 BJP के साथ या किसी अन्य के साथ उनका वहाँ पे सीधी सीधी लड़ाई है। ऐसे में क्या एक कैडर या एक नेतृत्व या जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियाँ हैं, जो खास करके क्षेत्रीय पार्टियाँ, सिर्फ भारतीय बीजेपी नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों से भी उन्हें दो दो हाथ करने होंगे, उसके लिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी आगे लेके जाएंगे, जिस पे उपेंद्र जी ने कहा उस पे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी जो 130 साल पुरानी है, कांग्रेस पार्टी, देश में 70 साल में लगभग सबसे ज़्यादा 60 साल के आसपास तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, एक पार्टी जिसके कई राज्यों में या एक समय में तो तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। जो 2014 में जो कुछ हुआ और 2014 के बाद जो स्थितियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी को हर जगह से सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं, राहुल गांधी इस पार्टी में, जो हमारे ब्रेक से पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं वो कह रहे थे कि राहुल गांधी में बहुत कुछ परिवर्तन लाने का उनमें उनकी योग्यता है। सवाल ये भी है कि अब तक वो कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन क्यों नहीं ला पाए। चलिए अब तक नहीं ला पाएंगे, अब कैसे ला पाएंगे, लेकिन अब जो लाने की तैयारी है, जिम्मेवारी है, उसमें जो हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी कह रहे थे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस 1 नंबर की 2 नंबर की नहीं बल्कि 3 या 4 या उससे भी बाहर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को क्या ऐसी स्थिति से उबार पाएंगे, निकाल पाएंगे, यही सवाल है। और डॉक्टर SP सिंह जी, जो मेरा सवाल है अब आपसे है, यूपी में अगर आप देखें, वहाँ पे आप 4th नंबर पे, 5th नंबर पे कई जगह पे हैं, बिहार में जो मेनलैंड जहाँ पे है,
झारखंड में, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ये जो तमाम जगह पे हैं जहाँ पे कांग्रेस तीन चार या बाहर है, एक एक बड़ा सेगमेंट है जो सत्ता में लाने के लिए आपको दिखाई देता है कि यहाँ से चीज़ें बदलाव हो सकती है, और वहाँ पे चीज़ें पार्टी के रूप में आप बिल्कुल पीछे खड़े हैं, सबसे आखिर में खड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सदर्न स्टेट्स में भी, वहाँ पे तमिलनाडु में क्या हाल है आप जानते हैं, केरला में छोड़ दिया जाए तो वहाँ, यहाँ तक आंध्र में क्या स्थिति हो गई है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहाँ एक चुनौती है, लेकिन चलिए वहाँ पे आप हैं तो वहाँ जैसे भी है। महाराष्ट्र में भी आप देख चुके हैं कि कहाँ पे आज आपकी पार्टी वहाँ पे खड़ी है, वोट प्रतिशत के मामले में भी और बाकी चीज़ों में। ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ वहाँ पे करने के लिए, जो अजय जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इन जगहों पे, जहां तीन चार नंबर के हैं वहां पे, और जहां आपको चुनौती मिल रही है सीधे भाजपा से वहां पे या किसी और से, कैसे किन चीजों को लेके आप उनसे लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि जो आपके नैरेटिव्स हैं उस नैरेटिव्स के सामने एक बड़ा नैरेटिव्स ऑलरेडी खड़ा कर दिया गया है। देखिए, इन सब चीजों का जहां जहां आपने बताया, कुछ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कुछ जगह हम काफी अच्छे हैं, कुछ जगह वाले समय में और आने वाले समय में भी उन स्टेट्स में और अच्छे होंगे इस हालत में भी। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें, उत्तर प्रदेश में आपके किसके साथ, मायावती, कांग्रेस, मायावती, मुलायम या अकेले, किसके साथ? देखिए, हम किसी के साथ नहीं हैं, बिना बैसाखी आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 2004 में जो इलेक्शन जीता था, हम 20-22 एमपी की सीट लेकर आए थे और अकेले लड़े थे, तो ऐसा नहीं है। ये पिछली बार को आप मत काउंट कीजिए, एक वो एक झूठ के बेस पे मोदी जी ने जो इस देश में पूरा एक एक नैरेटिव तैयार किया, झूठ तूफान बोल के लोगों को बहकाकर 1.5 लाख वो 15 लाख रुपए का बहाना करके, 2-2 करोड़ हर साल नौकरी दे के, मतलब कुल मिला के कि वो अच्छे दिन आएंगे अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके अच्छे दिन कैसे आएंगे, कांग्रेस पार्टी के, ये बता रहा हूँ। अभी अच्छे दिनों की शुरुआत है, हमारे राहुल जी अध्यक्ष बने, हम चाहते हैं, और अभी इलेक्शन है तो हम चाहेंगे, हम एक आशा ही कर सकते हैं, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ राहुल जी को, कि वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी को खड़ी करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत खड़ा करना चाहते वोट हैं। बेस कैसे बनाएंगे? सर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पदाधिकारी खड़े कर देना नहीं होता है, वो पदाधिकारी तो हमारे अभी भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम गांव तक भी हमारे लोग हों, हम गांव के लोगों से भी कनेक्ट हों, हम परिवारों के लोगों से भी कनेक्ट हों, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हमारा जिले का, आज की तारीख में जिले में हमारी कमेटी है, आप जिले में जो लोग हैं वो, ये पॉसिबल है। अगर हमारी हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि जो जिलों के हमारे लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशनली इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है कि वो लोगों से कनेक्ट हो, लेकिन हमारा जो मेन इम्फेसिस रहेगा आने वाले समय में, वो सिर्फ ये रहेगा कि हमें लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों के मुद्दों से कनेक्ट होना है, लोगों की समस्याओं से कनेक्ट होना है। अब वहां मैं आपसे छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम भाजपा को भी देखें, चाहे एक क्षेत्र में योगी जी हो, दूसरे क्षेत्र में उमा जी हो, तीसरे क्षेत्र में अलग अलग, वहां पे भी आपके पास वहां कोई नेतृत्व तो नहीं है। बिहार में भी वही स्थिति है मोर और लेस। राहुल जी के नाम पे राहुल जी अध्यक्ष बन जाएंगे, कुछ वहां पे ऐसे जगहों पे जहां आप बहुत कमजोर हैं, वहां पे नेतृत्व तो, को आप भी जानते हैं कि खड़ा करने में कितना समय लगता है किसी भी चीज को खड़ा करने में। नेतृत्व तो अपना आप खड़ा हो जाता है, जिसको आदमी ड्राइवर की सीट पे बैठाता है अपना आप नेतृत्व खड़ा हो जाता है। ड्राइवर की सीट पे तो राहुल गांधी बहुत दिन से बैठे हुए हैं। नहीं, वो ड्राइवर की सीट पे नहीं थे, आप ये जानते हो कि असल ड्राइवर तो वही थे, आप भी जानते हैं सोनिया जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अध्यक्ष होता है हमारे यहाँ, बीजेपी नहीं है कि आरएसएस सब कुछ होता है, अध्यक्ष नाम का होता है, हमारे यहाँ अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की इज्जत जो भी डिसीजन होते हैं अध्यक्ष के होते हैं। चलिए, वो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पार्टी के लेवल पे, अध्यक्ष के लेवल पे होती है। चलिए, तो जो तो जैसा मैंने कहा कि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, ये सिर्फ जो उसका जो जिस चीज से हम इसको मीट आउट करेंगे, वो सबसे बड़ा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ पदाधिकारी खड़े करना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसा मैंने कहा कि हमें हर परिवार से कनेक्ट होना है, हर फैमिली से, हर गाँव से कनेक्ट होना है। हर गाँव में हमारे एक कमेटी हो, ऐसी हम इच्छा करते हैं, ऐसी राहुल जी इच्छा करते हैं,
हमारी एक कमेटी हो, गांव की कमेटी जैसे तो पहले है, सवाल है लेकिन होगी पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा? आप देखिए कैसे करेंगे, मैंने खड़ा किया है ना, मैंने खड़ा किया है, आप चाहिए हिमाचल में, मैं गांव में आपको कमेटीज बता देता हूँ और वो रिजल्ट क्या होगा आप देखिएगा उसके। तो आपको मौका मिला तो नए नेताओं को मौका देना होगा उनको। हाँ तो नए ऑफ कोर्स नए नेताओं को मौका देना पड़ेगा, नए चेहरों को मौका देना पड़ेगा, दे रहे हैं, हम भी उसी की क्रिएशन है, हम भी नए आए हैं और हमने भी बहुत कुछ किया है। चलिए चलिए आपने जी अशोक जी दिलीप जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक बात ऐड करूंगा, एसपी सिंह जी कह रहे थे मतलब ये ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, मतलब रीपैकेजिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप देखिए कि जैसे आपने आपने कहा कि रीपैकेजिंग करने से, क्योंकि राहुल गांधी जी 2012 में पुरानी वाइन को रीपैकेजिंग की जरूरत नहीं होती, लगातार पार्टी चला रहे हैं और पुरानी वाइन की तो वैल्यू पुरानी बोतल में होती है, वो वैसी वाइन की तरह ही रहेंगे, वो उनकी बोतल वैसे ही बढ़ेगी। दूसरा एसपी सिंह जी कह रहे थे अभी कि 344 सीटों पे हम जीत कर आ जाएंगे, बड़ा टॉल क्लेम है। मैं आपने जो बात कही, उपेंद्र जी जो कह रहे थे कि करीब 250 सीटों पे तो कांग्रेस का स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा आज के दिन। आप ये देखिए कि वो लड़ाई में ही नहीं है, मतलब चौथे पांचवें नंबर पे हैं, तो वो 344 सीटों पे तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव, मतलब उन वो रेस से ही बाहर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस की एक जो लगेसी है पिछले वर्षों की, जिसमें के एक लूट की संस्कृति कांग्रेस के अंदर आई हुई है और कैडर, और उससे उनका कोई खास मतलब कभी रहा ही नहीं कांग्रेस की। एक आप एक संस्कृति और विचारधारा उनकी देखेंगे तो एक लीडर बेस्ड और उसके अंदर क्रोनिज्म है, कैपिटल क्रोनिज्म एक पूरा जुड़ा हुआ है, कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। और वो जो परिवारवाद को लेकर हर प्रदेश में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है और वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, उससे राहुल गांधी जी अभी पिछले 5 वर्षों से लगातार जो कर रहे थे, मैंने देख के आपने देखा कि 27 चुनाव उनके नेतृत्व में उपाध्यक्ष के नाते वो लगातार लड़े और हर चुनाव में एक बार कोशिश की गई कि इस चुनाव के बाद उनकी ताजपोशी की जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा चुनाव के ऐसे आते रहे कि उनको मौका ही नहीं मिल पाया। और अभी मुझे लगता है कि जैसे एसपी सिंह जी बता रहे हिमाचल, तो हिमाचल के जितने भी आपके ओपिनियन पोल और वो सब आए हैं तो वो रिजल्ट आने पर इनको पता लग जाएगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजों से पहले, क्योंकि किसी ने कोई चुनौती नहीं है राहुल, नहीं हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप स्वागत हम स्वागत कर रहे हैं और इस खुशी में हम लड्डू भी बांटेंगे। और ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्पन है वो मुझे लगता है कि इनके राहुल जी के नेतृत्व में आने के बाद कि राहुल जी के अध्यक्ष बनने से आपके लिए चुनौती नहीं बल्कि चुनौती आसान हो गई, निश्चित रूप से देख रहे हैं आप, देखिए कि बिल्कुल निश्चित रूप से इन लोगों को, इन लोगों ने राहुल जी को जिस तरह राहुल जी का मजाक बनाया, अभी आजकल कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे वो आलू वाला एक वो चल रहा था जो कि मोदी जी ने कहा कि आलू का सोना बना, ये तो सोशल मीडिया में लोग, लेकिन इनके लोग सोशल मीडिया आलू की इस प्रकार का कुप प्रचार करता रहा है, आलू की फैक्ट्री तो राहुल जी लगा, आलू की फैक्ट्री वहाँ आलू की फैक्ट्री तो राहुल जी लगा रहे हैं, आलू की फैक्ट्री किसान कहते हैं, सबने सुना आपने पूरा नहीं सुना, आप पूरा सुनेंगे तो पता लग जाएगा, आप उसका अगला पिछला भी सुनिए, उसने अगला पिछला भी सुनिए क्या होता है, सिर्फ एक लाइन हम छोड़ के पप्पू के लिए कह रहे हैं, फेकू के लिए भी आया था, फेकू के लिए भी आया था। और क्योंकि इन्होंने डर है, सिर्फ इसी परिवार से डर है, ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरते हैं, इसी तरह आपको पता लग जाएगा हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बाद, बिल्कुल आपको पता कोई समस्या ही नहीं है, ओपिनियन पोल किस तरह मीडिया आप खरीदे हुए हो, किस तरह एडवर्टाइजमेंट देते खरीदे हो, आपको मैं समझता हूँ सारा काम आप करते रहे हो, हमने कभी नहीं किया, हमारे टाइम में मीडिया की है कभी नहीं हुई, कांग्रेस ने क्या क्या किया, मीडिया जानती है दुष्कर्म, मीडिया के लोग बैठे हैं ये जानते हैं कि मीडिया फ्री थी आप किस तरह से मीडिया खरीदते थे, दिलीप जी आप बताइए, मीडिया को भी डराए हुए हैं, पूरे देश के लोगों को डराए हुए हैं, ये सब किसके साथी है, ये अडानी और अंबानी के साथ कोई भूल जाएगा, डॉक्टर साहब अभी इन्होंने डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब पता है इतना घोटाला क्या है, उन्होंने पार्लियामेंट तक जवाब नहीं देना पड़ा, पार्लियामेंट तक सारे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, इतना घोटाला किया है इसमें रेफरल डील में कि जो विंटर सेशन है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि विंटर सेशन कभी पोस्टपोन कर दिया, इतने डरे हुए हैं अध्यक्ष बन जाएंगे तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान छोड़ के ना भागना पड़े। डॉक्टर साहब, दिलीप जी, मैं फिर एक बात बता रहा हूं, जैसे कि आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया टुडे ने एक सर्वे निकाला था आज तक ने भी, अगर नीचे से तीन लोगों का नाम निकालें जिसने सबसे कम अटेंड किया पार्लियामेंट, तो उसमें राहुल गांधी तीसरे नंबर पे थे, तो ये पार्लियामेंट तो कभी फेस ही नहीं करना चाहते, मोदी जी तो पार्लियामेंट तो कभी फेस ही नहीं करना चाहते, इसलिए कितने होते हैं आज राहुल गांधी, आज राहुल से पूछते हैं आज राहुल गांधी प्लीज, हमारे दो मेहमान और हैं, उनसे भी जरा बहुत कम समय रह गया, 5 मिनट का मुश्किल से समय रह गया है। जो अजय जी, जो जो एक सवाल है कि आपको एक चुनौती सिर्फ इतना नहीं है कि आपको पार्टी को खड़ी करनी है, बल्कि कई ऐसे जगह जहां पार्टी एग्जिस्ट भी नहीं करती है, अब जहां आप 3, 4, 5 नंबर पे, ऐसे में जो बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब की प्रचार पंथ, प्रचार हो उसमें बीजेपी आपके ऊपर भारी पड़ा हुआ है 2014 से लेकर अब तक, जो अब खुद कह रहे थे डॉक्टर एस पी सिंह साहब, वो कह रहे थे मीडिया को खरीदने की बात, आज राहुल गांधी हर मीडिया में दिख रहे हैं, जब वो जाते हैं तो कौन से मीडिया खरीद के राहुल गांधी गए हैं, जब मोदी जी दिखते थे तो कौन से मीडिया खरीद के, ये एक ऐसा सवाल है जो सियासी रूप से तो आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आज राहुल जी भी और मोदी जी भी दोनों को दिखाया जा रहा है तमाम चैनल पे, तमाम अखबारों में आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि राहुल जी के हाथ में कांग्रेस के कमान तो आ गए हैं, आपको मुख्य रूप से चुनौतियां कौन सी दिखती हैं उनके सामने? देखिए, मुख्य तौर पे जिस तरह देश की राजनीति का अभी दिशा बदला है और बदले हुए दिशा में जो इशू है, कांग्रेस जिस तरह की पार्टी रही शुरू से, कांग्रेस के प्रति लोगों की, देश के लोगों की भावना जिस तरह से रही है, उस भावना पर उतरना, चुनौती क्या है, संगठन को मजबूत करना, संगठन को इस तरह मजबूत करना जिससे कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो इलेक्शन के दौरान भी, और अपने लोगों को भी वो एकोमोडेट करने की प्रक्रिया में पार्टी जो है आगे दिखे, अपने काडर को भी मोटिवेट करने की स्थिति में दिखे। मेरा मानना है कि बड़े राइट समय पे जो इनका निरपेक्षता के साथ मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये ताज जो है कांटों का ताज है राहुल जी के लिए, जैसा कि आज चर्चा जिस तरह से हम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी लेने जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट बात मैं करना चाहूंगा, जो टाइमिंग देखिए, यदि वो चाहते तो वो इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद बन सकते थे या पहले अभी तक बनाया जा सकता था, इलेक्शन चुनाव आयोग की जरूर उसमें बाध्यता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक के जो भी रिजल्ट हैं ये एक निरपेक्ष होना चाहिए हम सबको कि इसमें राहुल गांधी जी का कोई रोल नहीं रहा है बैकग्राउंड में। चलिए, अब जो होगा रिजल्ट जो 16 या 18 तारीख को उनकी